गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस पास्कल लॉज एप्लीकेशन, दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इसके पहले हमने पास्कल लॉ डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ क्या था हमारे पास? पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि प्रेशर है जो वो दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। उस पर हमने ये डायग्राम किया था। देन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था विदाउट ग्रेविटी हमारे पास जो प्रेशर आता था वो आता था ए रो जी, ठीक है, और ये सॉरी ये जी पे डिपेंड करता था, एच पे डिपेंड करता था। देन हमने इसको डेप्थ पे भी देखा था, पी टू माइनस पी वन, वहाँ पे एक फार्मूला ड्राइव किया था। फिर हमने तीन एग्जांपल्स ली थी इसमें, उन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग मैंने क्या लिया था कि अगर एक ऐसी वेसल है आपके पास, हाइट अगर इसकी सेम है, देन अगर आपके पास कोई ऐसा सिलेंड्रिकल शेप में वेसल है उसमें भी हाइट सेम है, तब हमने डिस्कस किया था कि प्रेशर किस में ज़्यादा होगा। अगर ये ए फिगर है, दिस इज योर फिगर बी, तो प्रेशर क्या होगा हमारे पास, हमने बोला था दैट इज इक्वली, क्योंकि हमारे पास जो प्रेशर था वो डिपेंड करता था एक तो इसकी डेंसिटी के ऊपर, दूसरा उसकी हाइट के ऊपर, क्लियर है, और थर्ड क्या लेते थे हम कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, एरिया ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर हमने देखा था कि ये डिपेंड नहीं करता। तो उसी पे आज ये एप्लीकेशन डिस्कस कर रहे हैं हम पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास मान लीजिए ये कोई पाइप है, तो इसमें क्या होता है बेसिकली, ये किस लॉ के ऊपर बेस है? पास्कल लॉ क्या था आपके पास कि अगर यहाँ से प्रेशर पी वन आ रहा है, तो यहाँ पे जितने भी इसके मॉलिक्यूल्स होंगे इस पाइप में, क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, जो यहाँ का प्रेशर है वो यहाँ के मॉलिक्यूल्स इसको ट्रांसमिट करेंगे, ये मॉलिक्यूल आगे इसको फिर ट्रांसमिट कर देंगे, अगेन एंड अगेन ये आगे ट्रांसमिट होता हो, जितना प्रेशर आपका यहाँ पे अप्लाई होगा उतना ही प्रेशर आपका दूसरे एंड पे मिलेगा आपको, दैट इज पी टू। हेयर पी वन इज इक्वल टू पी टू। पास्कल लॉ क्या है? दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शंस। आज उसके ऊपर ये फर्स्ट एप्लीकेशन बेस है, दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में क्या है, जैसे जो ड्राइवर होता है जो कि कार को ड्राइव करते हैं, वो क्या करते हैं, जहाँ पे आपका ब्रेक पैडल लगा होता है, जब वो इस ब्रेक पैडल के ऊपर पैर रखते हैं, उससे क्या होता है कि जो ये पिस्टन होता है वो पिस्टन इसके साथ अटैच होता है, ये पिस्टन पे पुशअप हो जाता है, इसके पुशअप से क्या होगा, आगे जो पिस्टन है वो मास्टर सिलेंडर के साथ अटैच होता है, मास्टर सिलेंडर पिस्टन अंदर की तरफ जाएगा मास्टर सिलेंडर में, मास्टर सिलेंडर में क्या है हमारे पास, फ्लूड होता है, ब्रेक फ्लूड, जो ये फ्लूड है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके ऊपर प्रेशर लगेगा। पास्कल लॉ क्या बोल रहा है, दैट प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। तो यहाँ से जो प्रेशर है वो यहाँ पे, दीज आर द स्ट्रॉ पाइप्स, ये स्ट्रॉ पाइप्स हैं आपकी, दिस इज द स्ट्रॉ पाइप, दिस इज अगेन द स्ट्रॉ पाइप, तो जो ये प्रेशर है ये इक्वली यहाँ पे लगेगा, जो ये स्ट्रॉ पाइप्स में लिक्विड होता है आपका, फ्लूड है, तो यहाँ से जो प्रेशर है वो कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा इस पाइप के थ्रू। यहाँ पे अगेन आपके पास दो पिस्टन लग रखे हैं पी वन एंड पी टू, यहाँ से प्रेशर इसमें लगेगा, जो यहाँ पे प्रेशर लगेगा इस प्रेशर से यहाँ पे भी क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या लग रहा है, फोर्स लग रही है, सिमिलरली यहाँ पे भी क्या लगेगी हमारे पास, फोर्स लगेगी, जो यहाँ पे फोर्स लग रही है उससे क्या होगा, ये क्या है आपके पास ब्रेक शू है, जो ये ब्रेक शू है ये क्या हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा, ये स्प्रिंग लगा हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ पे जब प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगी ऊपर और नीचे की तरफ, तब ये क्या हो जाएगा, ओपन अप हो जाएगा, इसके ओपन अप होने से ये क्या है, आगे जो आपकी जो ब्रेक लाइनिंग है इसके साथ कनेक्ट होता है, और जो ये ब्रेक लाइनिंग है इसमें क्या होता है, एक ड्रम होता है, जो ये ड्रम है ये आगे किससे कनेक्ट होता है, जो भी आपके कार के क्या होते हैं व्हील्स होते हैं उनके साथ कनेक्टेड होता है, तो जब ये ओपन अप होगा तो ये ब्रेक शूज हैं ये किसको टच कर जाएंगे, जो ये ब्रेक लाइनिंग थी आपकी, जो ये ड्रम है, तो ड्रम का रोटेट होना क्या हो जाएगा, इससे बंद हो जाएगा, अगर ड्रम का रोटेट होना बंद हो गया उससे जो आपका व्हील है जो भी टायर है आपके पास वो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाता है। सिमिलरली अगेन क्या होगा दूसरी तरफ, ये तो क्या था, जब आपने इसको प्रेस किया, जब आप इसको पैडल को जो ये ब्रेक्स है उसको रिलीज अप करते हो, तब क्या होगा, जो पिस्टन है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, पहले ये क्या था मास्टर सिलेंडर के अंदर प्रेस हुआ था,
अब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर लग रहा था इनसोट्रॉप पाइप्स में, वो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और जो स्प्रिंग था वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, जिससे जो ये ब्रेक शूज हैं इस लाइनिंग को क्या करेंगे, टच नहीं करेंगे। जब ये टच नहीं करेंगे तो आपका व्हील क्या हो जाएगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ पास्कला, दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। नाउ वी डिस्कस सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ दिस, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट भी इसी पास्कल लॉ के ऊपर बेस है कि प्रेशर है जो वो इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है इन ऑल द डायरेक्शंस। ये हमारे पास जो कार है, हैवी लोड है, जैसे ट्रक हो गया, इन सब चीजों को रेस करने के लिए यूज किया जाती है, जो ये दूसरी एप्लीकेशन है, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब इसमें हम क्या लेते हैं, इसमें हम दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेते हैं, उसमें से जो एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको हम क्या ले लेते हैं, दूसरे के कंपैरेटिवली थोड़ा सा वाइड लेते हैं। दिस इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ पे आपने प्रेशर कम अप्लाई किया है, जो यहाँ पे एरिया है, लेट दिस इज स्मॉल ए, यहाँ पे जो एरिया है दिस इज कैपिटल ए, जो कैपिटल ए है दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज मच मोर एज कम्पेयर टू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अब होगा क्या, यहाँ पे आपने क्या लिया, यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया F1, यहाँ पे हमारे पास पिस्टन लग रखा है, यहाँ पे भी एक पिस्टन लगा हुआ है, सिमिलरली एक पिस्टन हमारा दूसरी साइड पे लग रखा है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, जिस भी वेट को आपने लिफ्ट करना है, दिस इज योर वेट। अब इसमें होता क्या है, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, प्रेशर क्या होता है हमारे पास, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेट यहाँ पे फोर्स आपने F1 अप्लाई की, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है लेट दिस इज ए, जब यहाँ पे फोर्स लगेगी तो पिस्टन नीचे की तरफ प्रेस होगा, जब पिस्टन प्रेस हुआ उससे क्या हुआ, यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होगा, और पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा, तो यहाँ पे हर जगह पे क्या होगा, इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा, यहाँ से प्रेशर लगा, वही प्रेशर आगे गया, इन मॉलिक्यूल्स ने उसको आगे ट्रेवल किया, यहाँ से क्या लगेगा, यहाँ पे प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगने से यहाँ पे क्या लगेगी, एक फोर्स लगेगी, लेट जहाँ पे जो फोर्स लगी है दैट इज F2। अब फोर्स किसके इक्वल होगी, फोर्स आपकी इक्वल होगी प्रेशर इनटू में एरिया, यहाँ पे प्रेशर क्या है, फोर्स अपॉन एरिया, अगर हमने फोर्स निकालने तो क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू में एरिया। अब देखिए यहाँ पे सॉरी प्रेशर तो जो इक्वली ट्रांसमिट हो रहा है, P1 प्रेशर ही आपका आगे जा रहा है, तो प्रेशर कितना है यहाँ पे, P1 इंटू में ए, प्रेशर P1 क्या था आपके पास, दैट इज F1 अपॉन ए इंटू में ए दैट इज F2, मीन्स जहाँ पे जो फोर्स लग रही है F2 वो क्या है, दैट इज ग्रेटर देन द F1, यहाँ पे जो फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे आपकी वो हमारी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस पॉइंट, मीन्स हमने फोर्स कम अप्लाई किया, कम अप्लाई से हमने ज्यादा फोर्स को क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया, यहाँ पे प्रेशर कम था, यहाँ पे प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया आपका, तो यहाँ पे जो सॉरी यहाँ पे आपके पास फोर्स क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो जी हैवी जहाँ पे जो फोर्स ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस, उससे हम क्या कर सकते हैं, हैवी वेट को लिफ्ट अप कर सकते हैं, लाइक कार, ट्रक, किसी भी चीज को आप लिफ्ट अप कर सकते हो। ये आपको विजिबल नहीं है तो मैं इस स्टेप को इधर लिख रही हूँ, F2 इज इक्वल टू P1 किसके इक्वल था आपका, F1 अपॉन A इंटू में A, वेयर F2 इज मच ग्रेटर देन द F1, सो इट इज यूज टू कैरी द हैवी लोड्स। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, दैट इज बर्नौलियस थ्योरम। कंटिन्यू योर स्टडी एंड वॉच दिस वीडियो, थैंक यू।